नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वे टू सक्सेस पर। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको 2020 में ही एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको टोटल 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके मार्च, अप्रैल और मई मंथ तक हो जाएंगे। और इन सभी वैकेंसीज का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका अक्टूबर और नवंबर तक हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इन 6 एग्जाम में से किसी भी एक को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो, किसी भी एक के ऊपर फोकस करके उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हो, तो दिसंबर 2020 तक आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। ये भी मैं आपको बताऊंगा इनमें से कौन सा एग्जाम आपका कब हो सकता है, और साथ ही मैं आपको एक एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए शॉर्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं, जो कि आपकी प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफी बड़ा रेफरेंस मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, आपके लिए वीडियो देखना ही काफी नहीं है। इस वीडियो में आपको जितने भी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा या फिर इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, वीडियो को देखने के तुरंत बाद आपको अपना एक एग्जाम भी चूज करना होगा जिसके ऊपर आप अपना कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो। साथ ही आपको उस स्ट्रेटजी को भी अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर और भी काफी सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको केवल यही 6 एग्जाम्स क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक काफी बड़ा लॉजिक है, जो कि मैं आपको एक एक एग्जाम के साथ बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम नंबर 6 से। तो नंबर 6 पर आता है DRDO MTS एग्जाम 2020। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कॉमन एग्जाम बना हुआ है। फिलहाल बहुत सारी कैंडिडेट इस एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। वैकेंसी हाल ही में आई थी, 1817 टोटल वैकेंसी थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। काफी सारे लोग इस एग्जाम को हल्के में ले रहे हैं कि यार DRDO MTS का ही तो एग्जाम है, इतनी बड़ी तो कोई वैकेंसी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए ये वैकेंसी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो इस पोस्ट की यही है कि सिलेक्शन के बाद जहां आप चाहो आपकी पोस्टिंग वहीं पर होगी, और डिपार्टमेंट तो DRDO है, इससे बेस्ट तो और कुछ बात है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सिलेक्शन प्रोसेस केवल 2 स्टेज पर टिका हुआ है। एक आपका Tier 1 एग्जाम होगा और एक आपका Tier 2, जिसमें आपका सेकंड एग्जाम होगा। तो पहले आपको Tier 1 एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। अगर आप पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप मीडियम लेवल के हो, तो आप इसके Tier 1 एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लोगे। इतना बड़ा चैलेंज नहीं है इसका Tier 1 एग्जाम। तो आपके Tier 1 एग्जाम में टोटल 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, 35 क्वेश्चन आएंगे। एक आपका मैथमेटिक्स होगा, इससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे। और एक आपका इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, इससे आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 100 मार्क्स के ही आएंगे। 90 मिनट आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो इजी सा एग्जाम पैटर्न है। अब बात करें इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप इस एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, आपने टारगेट बना लिया कि मुझे यही एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको इसके प्रिपरेशन में अभी लग जाना है। आपको केवल जनरल अवेयरनेस और इसके मैथमेटिक्स सेक्शन के ऊपर ही फोकस करना है। रीजनिंग के ऊपर फोकस मत करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। रीजनिंग बहुत ही इजी आएगी, केवल आप मैथ और जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्हीं दोनों सब्जेक्ट के ऊपर करिए, आपका एग्जाम चुटकियों में क्रैक हो जाएगा, बहुत ही इजी आता है। इसी एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी का पॉइंट सेकंड है एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे, जो कि आपके लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। तो मैं आपको पहले ही कहूंगा, एग्जाम से पहले ही इसी तरीके से आप प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको ये चैलेंज वहां पर देखना ही ना पड़े। तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना होगा। टाइम लगाकर रख लीजिए कि 90 मिनट में मुझे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके जो टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम है ये भी ऑटोमेटिकली आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है कि Tier 1 में टोटल 18,170 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चांस आपके हाथ में है, सब कुछ छोड़ दीजिए, इस एग्जाम के पीछे लग जाइए, ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है।
तो फ्रेंड्स जो इसका एग्जाम होगा वो मार्च और अप्रैल मंथ तक 100% हो जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। नंबर 5 पर आता है DSSSB वेरियस पोस्ट एग्जाम 2020। फ्रेंड्स पिछली काफी सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि DSSSB के अंदर काफी सारी डिफरेंट क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज फिलहाल निकली हुई हैं, जिसमें आपके जूनियर असिस्टेंट के, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के, स्टेनोग्राफर के, स्टोर कीपर के, सब इंस्पेक्टर के, और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट आपकी निकली हुई है। फ्रेंड्स अगर आपने इन वैकेंसीज के लिए अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट पहले फॉर्म अप्लाई करिए, तब आके इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फ्रेंड्स इन 6 एग्जाम में मैंने ये एग्जाम क्यों रखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जितनी भी आपकी डिफरेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं, टोटल 3 स्लॉट में मोर देन 1000 आपकी वैकेंसी निकली हुई है, सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। तो जितनी भी पोस्ट है आपकी क्लरिकल, उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि आपको डिफरेंट सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया किसी भी एक पोस्ट का, तो आप उसी प्रिपरेशन से सभी पोस्ट के एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, मेल फीमेल के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी हो सकती है। अगर मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताऊं तो इसमें आपका एक जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, जिससे 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी लैंग्वेज से 14 क्वेश्चन आएंगे, आपका इंग्लिश से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से भी 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। टोटल 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 200 मार्क्स के अंदर 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 0.25 मार्क्स आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसी रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं फोकस सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, केवल फोकस आपको करना है 2 ही सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि आपका एक रीजनिंग है और एक आपका मैथमेटिक्स है। मोस्टली इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए, बाकी हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस वगैरह छोड़ दीजिए। मुझे पता है यही 2 सब्जेक्ट आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर आप इनमें अच्छे से प्रिपेयर नहीं होंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, बाकी आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर ही लोगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। टोटल क्वेश्चन 200 है और 2 आवर ही आपको क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन दी गई है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अपना टाइम मैनेज करने की पूरी कोशिश करिए। सेम प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा DRDO वाला ही, डेली एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करिए, जिससे आपका जो टाइम मेंटेनेंस है वो आपका कवर हो जाए। तो कोई भी DSSSB के लिए प्रैक्टिस सेट परचेज कर लीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर सोल्व करिए, ताकि आपकी जो टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके। एग्जाम आपका DSSSB का जून या फिर जुलाई मंथ के अंदर हो जाएगा। डिपार्टमेंट काफी अच्छा हो गया है, आपके इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं इस बार। तो फ्रेंड्स अब जो एग्जाम मैं आपको बताने वाला हूं, काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि इस एग्जाम का जिक्र मैं मोस्टली वीडियो में जरूर करता हूं। तो एग्जाम नंबर 4 है RRC ग्रुप डी एग्जाम 2020। इसके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, 2019 स्टार्टिंग में फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम होने का वेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं ये भी जानता हूं कि आप वेट कर करके इस एग्जाम का थक चुके हो और आपने इस एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़ दिया है, आप किसी और एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो अगर आप भी यही कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा की तरह कहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि एग्जाम तो आपका 100% होगा, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर ये वैकेंसी निकली हुई थी। तो इस एग्जाम के आपको कुछ बेनिफिट पॉइंट गिनाता हूं, जो कि आपका माइंड एकदम चेंज करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है, वैकेंसी बहुत ही बड़ी है, 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, तो एक सीट तो आपकी इसमें 100% बनती है। सेकंड बेनिफिशियरी पॉइंट है, इसमें आपका कंपटीशन काफी कम रहेगा। अब वो कैसे, 2018 की 62,000+ वैकेंसी ग्रुप डी की कंप्लीट हो चुकी है, जितने भी कैंडिडेट ने इस वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई किया था वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन कितना कम हो गया। और साथ ही आपके 50,000 SSC GD कैंडिडेट वाले भी जा चुके हैं, जिसने इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया होगा। साथ ही यूपी पुलिस के अंदर 1 लाख प्लस वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, वो लोग भी ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। तो देख सकते हैं कितना कंपटीशन इस वैकेंसी के अंदर कम हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत ज्यादा है इस बार सिलेक्शन की, तो आप ऐसा मत सोच, क्योंकि फ्रेंड्स यही वो वैकेंसी है जो 2020 में आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के बारे में। तो इसका एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल साइंस है, जिसे 25 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड
सेकंड में आपका मैथमेटिक्स है 25 क्वेश्चन आएंगे, थर्ड में आपका रीजनिंग है 30 क्वेश्चन आएंगे, फोर्थ में आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के अंदर ही आएंगे। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी फर्स्ट तो यही है। तो इस एग्जाम के लिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो मोस्टली अपना फोकस जनरल साइंस के ऊपर रखिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आएंगे। पिछली बार काफी सारे लोगों ने यही मिस्टेक कर दी थी, जनरल साइंस के ऊपर इतना नहीं फोकस किया था। तो जनरल साइंस के ऊपर अपना फोकस बना के रखिए। और सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के ऊपर मोस्टली फोकस बनाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज्यादा होते हैं। और इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर अगर अपना फोकस रखते हो तो आप इस एग्जाम को इस बार डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। और सेम प्रॉब्लम आपकी टाइम ड्यूरेशन के साथ भी आएगी, क्योंकि पिछली बार काफी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आई थी कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व नहीं कर पाए थे। तो ऐसी आपको एक प्रैक्टिस सेट हमेशा सोल्व करते रहना है ताकि आपकी टाइम ड्यूरेशन वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम को टारगेट बना के रखिए। जब भी आपका एग्जाम होगा, आज नहीं तो कल, मार्च अप्रैल मई जून कभी तो एग्जाम होगा, तो तभी आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। यही एग्जाम आपको सिलेक्शन देगा। केवल एक ही तो स्टेज है, मेन तो आपका एग्जाम है, बाद में तो आपका फिजिकल बड़ा इजी से आप कर ही लोगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम को टारगेट बना लीजिए कि ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन चाहिए। 1,00,000 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी होती है। नंबर थर्ड पर आता है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम 2020। फ्रेंड्स, इन 6 एग्जाम में ये एग्जाम रखने का मेरा पर्पज यही है कि इस वैकेंसी के लिए फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। 12 या फिर 13 फरवरी 2020 इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर आपको पोस्ट का नाम सुन के अच्छा लग रहा है, आपके अंदर से कुछ आ रहा है कि हाँ मुझे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो आपको जरा भी नहीं सोचना चाहिए, फटाफट फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। वैसे तो दिल्ली की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। दूसरा मेन कारण है इन 6 एग्जाम में रखने का कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही फास्ट चलने वाला है। इसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी हुई है, 12 और 13 मार्च 2020 तक एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल होने के बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। तीसरा कारण यह है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो एज सिमिलर D SSS वेरियस पोस्ट एग्जाम, यानी कि जो मैंने आपको अभी D SSS का एग्जाम पैटर्न बताया, इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल उसी के सिमिलर है। तो आपको यहां पर अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके एग्जाम पैटर्न में वही 5 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका जनरल अवेयरनेस है, एक आपका इसमें रीजनिंग है, एक मैथमेटिक्स है, एक हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो इन 5 सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 आवर टाइम ड्यूरेशन रहेगी और वही 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वही आपको मोस्टली फोकस सब्जेक्ट रखनी है। मैथमेटिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, रीजनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसके एग्जाम में यही दो सब्जेक्ट हमेशा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो अपनी पकड़ इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर बना लीजिए। और एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन तो आपको मेंटेन रखनी है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा 12-13 मार्च को, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है अगर आपको फास्ट सिलेक्शन चाहिए और अगर आपको वर्दी चाहिए। फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फटाफट जाके पहले फॉर्म अप्लाई करिए और इसकी जी जान लगाकर प्रिपरेशन करिए। नंबर सेकंड पर आता है फिर से हमारा RRB NTPC एग्जाम 2020। मुझे पता है इस एग्जाम के बारे में भी आप बार बार सुनकर बोर हो चुके होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने दिन से फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, एग्जाम इसका भी अभी तक नहीं हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, RRB का अभी जो एजेंसी एग्जाम कराने की वही फाइनल नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है ग्रुप डी की तरह इसका भी एग्जाम 100% होगा। वैकेंसी आपकी काफी अच्छी थी, और ये मत समझिए कि एग्जाम लेट हो रहा है तो आपके इसमें कोई नुकसान हो रहा है, इसमें आपका नुकसान नहीं, आपका इसमें बेनिफिट ही हो रहा है। एक तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए ज्यादा टाइम मिल रहा है, और दूसरा आपको जितना एग्जाम लेट हो रहा है उतना ही आपका कंपटीशन यहां पर कम हो रहा है। क्योंकि एक साल पहले फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो काफी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे, और काफी सारी वैकेंसीज, बड़ी लेवल की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आपकी SSC GD की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, यूपी पुलिस के अंदर 1,00,000 कैंडिडेट कांस्टेबल की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, साथ ही आपकी RRB 2018 ग्रुप डी वैकेंसी कंप्लीट हुई है। तो जितने कैंडिडेट ने RRB NTPC एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उनमें से काफी सारे कैंडिडेट का तो सिलेक्शन होके वो जा चुके हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। तो इस चीज का आपको फायदा भी देखना चाहिए। और जो आपका एग्जाम होगा वो आज नहीं तो कल ग्रुप डी की तरह हो ही जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी भी हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। केवल आपको एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बात करें एग्जाम के बारे में, तो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कोई
बड़ी बात नहीं है, जिसमें से एक आपका मैथमेटिक्स होगा जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही रीजनिंग होगा इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही आपका जनरल अवेयरनेस होगा इससे आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मार्क्स के अंदर ही 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। तो आप इसका टियर फर्स्ट आसानी से क्रैक कर लोगे अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलो। तो इसके एग्जाम में आपको मोस्टली जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से ही आ रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस ही आपके सामने थोड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो मोस्टली अपना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट जनरल अवेयरनेस के ऊपर करिए, उसके बाद आप मैथमेटिक्स के ऊपर बनाइए। रीजनिंग के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, रीजनिंग बहुत ही मीडियम और इजी लेवल का आएगा, आप इसे आसानी से क्रैक कर लोगे। दूसरी चीज है क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आसानी से मेंटेन कर लोगे, क्योंकि जिस भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस से बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, आप इसका टाइम ऑटोमेटिकली आसानी से मेंटेन कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम आती है तो वही प्रैक्टिस सेट सोल्व करिए, किसी भी NTPC का परचेज करके आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। एग्जाम आपका ईजी आएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन पर तो कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए। तो फ्रेंड्स, एग्जाम आपका जल्दी होगा, बस आप प्रिपरेशन करते रहिए। फाइनली आता है एग्जाम नंबर फर्स्ट, जो कि है SSC CHSL LDC एग्जाम 2020, जो कि आपका 16-27 मार्च 2020 को होने वाला है। इस एग्जाम के बारे में इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो स्पेशल इसी एग्जाम के ऊपर आपके लिए लेकर आने वाला हूं। काफी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आइए SSC CHSL LDC की, तो नेक्स्ट वीडियो पूरा SSC CHSL एग्जाम के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले मार्च में आपका यही एग्जाम सबसे नजदीक आता दिखाई दे रहा है और बड़ा एग्जाम भी है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आने वाला हूं उस वीडियो में, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में इस एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूं, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर सेपरेट डिटेल वीडियो SSC CHSL LDC के एग्जाम के ऊपर लेकर आ जाए, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में तो यही आपके 6 एग्जाम थे। अगर आपने इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आप उस एग्जाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, बाकी वैकेंसी जो आने वाली है फ्यूचर में उनकी टेंशन मत लीजिए। ये एग्जाम आपके हाथ में है, ये अपॉर्चुनिटी फिलहाल आपके हाथ में है। केवल यही एग्जाम ऐसे हैं जिनका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस 2020 दिसंबर तक हो सकता है, और यही वो एग्जाम्स हैं जो कि आपको 2020 के अंदर ही एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फिक्र मत करिए कि सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है, उसके बाद तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली जबरदस्त होने ही वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को हमेशा ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।